आपके पास जो डेटा हो वो ग्राफिकल फॉर्म में हो। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपका जो डेटा हो मास स्पेक्ट्रोमेट्री का वो या तो ग्राफिकल फॉर्म में हो लाइक दिस वन, या तो हो सकता है कि आपका जो डेटा हो वो आपका किस फॉर्म में हो, टेबुलर फॉर्म में। दो चीजें फॉर्म में डेटा पूछी जा सकती है, या तो ग्राफिकल या तो टेबुलर। चाहे किसी भी फॉर्म में डेटा पूछा जाए, जो फॉर्मूला होता है मास कैलकुलेट करने का वो सेम होता है। किसी भी फॉर्म में पूछा जाए तो मास कैलकुलेट करने का किसी भी पेप्टाइड का या प्रोटीन का मास इन डाल्टन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है M2 - 1 M1 - 1 डिवाइडेड बाई M2 - M1। M2 - 1 इंटू M1 - 1 डिवाइडेड बाई M2 - M1 इज अ बेसिक फॉर्मूला ऑफ द मास ऑफ पेप्टाइड इन डाल्टन। यही फॉर्मूला होता है। अब इसमें M2 और M1 क्या रिप्रेजेंट करते हैं, टेबुलर फॉर्म में दिया हो या ग्राफिकल फॉर्म में दिया हो, तो कैसे हम उनको इंटरप्रेट करेंगे ये समझना आपके लिए जरूरी है। जैसे कि मेरे पास जो है ग्राफिकल फॉर्म में जो है ये कॉन्सेप्ट मेंशन किया गया है 2928.17 के तौर पे। इसमें देखिए कई अलग अलग इंटेंसिटी और एबंडेंस मेंशन किया गया है, और इसमें जो है अलग अलग मास मेंशन किया गया, बहुत सारे छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स भी टूटते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर कैसे कैलकुलेट करेंगे कि व्हाट वुड बी द अप्रोक्सीमेट मास ऑफ दिस पर्टिकुलर पेप्टाइड? तो क्या किया जाता है कि बेसिक तौर पे कभी कभी ग्राफिकल में जो है कुछ इस तरीके से पेप्टाइड्स होते हैं कि दो वैल्यूज को लीजिए, एक को M2 और एक को M1 मान लीजिए और सॉल्व कर लीजिए। लेकिन कई बार कई क्वेश्चंस में ऐसे सॉल्व नहीं होता, क्योंकि कई बार क्या होता है कि वहां पे मल्टीपल पेप्टाइड्स जब मेंशन रहेंगे। ये देखिए ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये फॉर्मूला जो है वो सिंगल पेप्टाइड के लिए यूज होता है, मल्टीपल पेप्टाइड में भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन वहां पे जो है कंडीशन फुलफिल नहीं होगा। कंडीशन फुलफिल कैसे नहीं होगा, अभी मैं मेंशन करता हूँ कि हो सकता है कि आपका पेप्टाइड कैसा हो, आपका पेप्टाइड जो है वो सिंगल पेप्टाइड का बना हो या आपका प्रोटीन जो है वो मल्टीपल यूनिट्स के बने हो। देयर इज अ चांसेस कि आपका प्रोटीन जो है वो मल्टीपल सब यूनिट का बना, तो अगर वो मल्टीपल सब यूनिट के बने हैं तो उनका फंक्शन अलग होगा, अगर वो सिंगल सब यूनिट के बने हैं तो उनका फंक्शन अलग होगा। फिलहाल के तौर पर जो है हम पहले ग्राफिकल फॉर्म को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। जैसे देखेंगे यहाँ पे मेरे पास एक डेटा दिया गया, एक रिलेटिव अबंडेंस है और एक ग्राफ कुछ इस फॉर्म में मेंशन है। सवाल ये आ जाता है कि व्हाट शुड बी द मास और द मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस पर्टिकुलर पेप्टाइड। तो इन केसेस में ज्यादातर दो चार डेटा के साथ काम कर लेंगे तो लगभग लगभग मोटा मोटी आंसर आपके पास आ जाएगा। जैसे अगर सिंगल पेप्टाइड है तो याद रहे कि सिंगल पेप्टाइड होगा तो आपका ज्यादा वैरी नहीं करने वाला है जो वैल्यू हो सकी होगी। सिंगल पेप्टाइड होगा तो किसी भी एक हायर वैल्यू को M2 मान लीजिए। याद रहे कि M2 जो है दैट शुड बी ग्रेटर देन M1, जो हमने फॉर्मूला बताया। तो अगर आपने इसको M2 एज्यूम कर लिया तो इससे कम वाली वैल्यू M1 है, ये 1273 है और ये 1251 है। याद रहे जब भी M2 और M1 को ले रहे हैं तो वो एडजेसेंट वैल्यूज लेने की कोशिश करिएगा, एक के बगल वाला एक। ठीक है, तो M2 और M1 का जो चयन है वो हमेशा इस तरीके से हो कि M2 और M1 एडजेसेंट टू वैल्यूज हो, अगल बगल वाली जो है वो वैल्यूज हो, और बाकी फॉर्मूला में पुट कर दीजिए। जैसे M के तौर पे रिप्रेजेंट करें तो M2 जो है वो आपका 1273 - 1, और फिर M1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1251 - 1। फॉर्मूला के हिसाब से M2 - 1 इंटू M1 - 1 एंड डिवाइडेड बाई M2 - M1 यानी 1273 - 1251, एंड इसको अप्रोक्सीमेट सॉल्व कर लीजिए कि कितने डाल्टन के तौर पे आ रहा है। ठीक है, ये जो वैल्यू आएगी आप कई बार जैसे क्वेश्चंस में कुछ ऑप्शंस इतने अच्छे दे देते हैं कि इतने से एक ही बार से सॉल्व होता नजर आ जाता है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू के ऊपर जाने की जरूरत नहीं होती। मतलब आप अगर ये सिंगल पेप्टाइड होगा तो इसको M2 माने और इसको M1 माने, जो वैल्यू आएगी अगर इसको M2 और इसको M1 मानते तो उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा अगर सिंगल पेप्टाइड होगा तो। लेकिन अगर ये डाई पेप्टाइड, ट्राई पेप्टाइड, टेट्रा पेप्टाइड या कुछ मॉडिफिकेशन के साथ है तो उसमें जो है इनके बीच का जो कैलकुलेशन होगा M, इनके बीच का कैलकुलेशन अगर M2 इसको मानेंगे और M1 इसको मानेंगे तो उसका अलग आएगा। ठीक है, इनको और इनको लेके चलेंगे तो उनका अलग आएगा। जैसे तौर पे रिप्रेजेंट करता हूँ मैं इसी डेटा को, मैंने जो है मेंशन किया, देखिए इसी डेटा में जो है थोड़ी अंतर आने के चांसेस है कि एक है 1273 और एक है 1251, एक है 1202 और 1180। जो हमने प्रीवियस एक ग्राफ दिया था उसमें जो है M/Z की वैल्यू कुछ ऐसे मैंने लिख दिया। आपके एग्जाम्पल के तौर पर M/Z ऐसे भी पूछा जाता है कि हो सकता है कि जो M/Z के कंपोनेंट्स है वो ये अलग अलग फ्रेगमेंट्स मिल रहे, इस फॉर्म में भी पूछ दे या ऐसे फॉर्म में भी पूछ दे, किसी भी फॉर्म में आपसे पूछ दे। सोल्यूशन अब देखिए कैसे करना है। तो आप सिर्फ एक बार
लेने की बजाय या एक बार जो है इसको M2 और M1 के थ्रू कैलकुलेट करने की बजाय बेहतर है कि बेसिक प्रोसीजर पे जाकर सॉल्व करें। बेसिक प्रोसीजर में क्या करना होता है कि एक एक करके एक सीरीज के तौर पे M2 M1 M2 M1 का कॉन्सेप्ट लेके चलना होता है। मतलब बेसिक तौर पे अगर बोला जाए तो एक बार सबसे हाईर से शुरू करिए, इस पूरे टेबल में सबसे हाईर वैल्यू होता है, जैसे यहीं पे मैं ग्राफिकल फॉर्म में बोलूँ तो एक बार पहले इसको M2 मानिए, अगर ये M2 होगा तो इसे जस्ट एडजेसेंट लोअर M1 हो जाएगा, इसको लेके एक मास कैलकुलेट करेंगे तो यहां से एक मास जो है वो कैलकुलेट होगा, दैट शुड बी मास 1। अब उसके बाद जो है जो इसको अब स्किप कर दीजिए, अब इसको एज इट इज M2 लीजिए और फिर ये M1 हो जाएगा, इनको लेके मास कैलकुलेट करिए तो वो हो जाएगा मास 2। फिर अब इसको स्किप करिए, अब इसको M2 एज्यूम करिए और इसको M1 लेके सॉल्व करिए और इसको लेके कैलकुलेट करेंगे मास 3। तो यहाँ पे अब इसके पीछे इसको स्किप करने का कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि करके आगे जाएंगे कहाँ, क्योंकि अब कोई और वैल्यू दी नहीं है। सो ड्यू टू दैट यहाँ पे 3 मास आपको कैलकुलेट होंगे। एक बार आपको क्या करना होगा, इन दोनों को इसको लीजिए M1 M2, इसको लीजिए M1, फिर इसको लीजिए M2 और इसको लीजिए M1, फिर उसके बाद इसको लीजिए M2 और इसको लीजिए, ये 3 वैल्यूज करने के बाद मास 1 मास 2 मास 3 जो है आपके पास आ जाने वाला है। मास 1 आएगा, फिर आपके पास मास 2 आएगा, एंड देन आपके पास मास 3। इन तीनों का फिर आपको लेना पड़ेगा एवरेज, तो एवरेज ऑफ दिस मास लेंगे तब जाके आपको एक ओवरऑल सिंगल पेप्टाइड का मॉलिक्यूलर वेट निकल आएगा। एवरेज के तौर पे रिप्रेजेंट करने की अगर कोशिश करें तो देखिए, मैंने एक बार जो है 1273 को M2 लिया और 1251 को M1 लिया, इससे मास कैलकुलेट करने की कोशिश करी। M2 - 1 × M1 - 1 / M2 - M1 का फॉर्मूला हमने यूज किया है, तो देखिए M2 की वैल्यू है 1273 - 1, तो वो पुट किया, M1 की वैल्यू है 1251 - 1, वो पुट किया, और M2 1273 एंड M1 1251। इस वैल्यू को सॉल्व किया तो लगभग लगभग 72,272 डाल्टन आ रहा था, लगभग लगभग 72 किलो डाल्टन के आसपास थे। 72 पॉइंट, अगर इसको किलो डाल्टन में बोलूं, ये वैल्यू आ रही थी डाल्टन में, किलो में बोलता तो ये वैल्यू 72.272 किलो डाल्टन आ रहा था। इसके बाद जो है फिर M2 और M1, फिर मैंने 1251 को M2 कंसिडर किया और 1202 को M1 कंसिडर किया, फिर सेम फॉर्मूला से मास लिया, कैलकुलेट करने के बाद ये वैल्यू आ रही थी 30637। ये जो कंडीशन है कहीं ना कहीं आपके लिए सेकेंड कंडीशन के लिए मास आ गया। अगर हम इसको कंसिडरेशन में लेते हैं M2 के तौर पे, तो ये है M2 और उसके बाद ये उसके नीचे वाला हो जाएगा M1, इनसे फिर हम मास कैलकुलेट करेंगे तो वो वैल्यू 64362 के आसपास आ गया। याद रहे कि इन तीनों में काफी वेरिएशन देखने को मिल रहा है, ये तीनों जो है करीब बराबर बराबर नहीं है, इसीलिए हम इन तीनों का एवरेज लेंगे। हम एक सिंगल पेप्टाइड होगा तो इनका एवरेज लिया जाएगा, अगर ये बोला जाएगा कि सिंगल पॉलीपेप्टाइड का ही ये M/Z रेशियो है तो आप तीनों का एवरेज ले लीजिए, 72272 प्लस 30637 प्लस 64362 डिवाइड बाय 3, ये वैल्यू 55757 डाल्टन आ रहा है, और किलो डाल्टन में करें तो लगभग 55.7 किलो डाल्टन। दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ प्रोटीन और द पेप्टाइड्स। आपके लिए कोई भी वैल्यू चाहे टेबलर फॉर्म में हो या ग्राफिकल फॉर्म में, इसी ग्राफिकल फॉर्म के वैल्यूज को ही मैंने टेबलर फॉर्म में यहाँ पे मेंशन किया, तो आपको इसी फॉर्म में एक को M2, एक को M1, फिर M2, M1, फिर M2, M1, इसी तरीके के फॉर्म में जो है आगे चलना, ठीक है। जरा सा रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें तो देखिए एक क्वेश्चन है और एग्जांपल मेंशन है आपके, ये विल्सन एंड वॉकर से लिया गया एग्जांपल है, प्रिक्योर किया गया। इस एग्जांपल में इन्होंने M/Z का एक टेबल दे दिया और उसका जो है रिलेटिव अबंडेंस दे दिया गया। अब इस टेबल से आपको पता करना है कि व्हाट शुड बी द मास, क्योंकि क्रोमेटोग्राफी से जो मास पता चला था वो 12,000 डाल्टन है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से 13,000 था, मास स्पेक्ट्रोमेट्री से पता करना है कि इसका मास कितना होने वाला है, तो उसके लिए जो है आप एक एक करके जो है बेसिक तौर पे मेंशन करेंगे, ठीक है। 1031 952 884 825 773, तो देखिए कि आपके लिए 1031 952 884 825 773 ये कुछ वैल्यूज थे वहां पे जो मेंशन है, बेसिक तौर पे जो है यही आपके टेबलर फॉर्म में दिए थे। अब इसको कैसे आप सॉल्व कर सकते थे, मैं उसको ही मेंशन कर दे रहा हूँ यहाँ पे। क्या करेंगे आप, एक बार इसको M1 लेंगे, इसको M2 लेंगे और इसको M1,
इसके थ्रू जो है वो सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला आपको पता है मास का, फॉर्मूला जो होता है वो होता है एम टू माइनस वन इंटू एम वन माइनस वन डिवाइडेड बाई एम टू माइनस एम वन। बेसिक तौर पे अगर रिप्रेजेंट किया जाए तो 1031 माइनस वन इंटू 952 माइनस वन डिवाइडेड बाई 103 माइनस 952। सॉल्व करेंगे तो ये कुछ वैल्यूज आ जाएंगे, लगभग कितनी वैल्यूज आएंगे, ये लगभग 12406 के आसपास आएगा, 12412। ओके, इसी तरीके से इसको एक बार M2 लेंगे और फिर M1 लेंगे एंड द सेम वे में जो है सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जा रही है। फिर इसको M2 लेंगे और इसको M1 लेंगे, फिर इन दोनों से मास सॉल्व करेंगे, फिर इसको M2 लेंगे और इसको M1 लेंगे, फिर इन दोनों से मास सॉल्व करेंगे। ये वैल्यूज तीनों निकालने के बाद आप सारे के सारे वैल्यूज का एवरेज ले लेंगे और जब एवरेज ले लेंगे तो वही एवरेज जो है वो सिंगल पेप्टाइड का मास हो जाएगा। कुछ लोग जो है कथे के तौर पे यस सर कोई वैल्यू नहीं बता रहे, किसी को कैलकुलेशन से मतलब नहीं है कि क्या वैल्यू आ रही कितना आ रहा है, घोंघा की तरह बैठे हुए हैं कि भाई बस बैठे रहते कथा सुन लेते हैं, मेहनत कौन करने जाए, क्योंकि एग्जामिनेशन में कथे से ही तो क्वेश्चन सॉल्व होंगे, है ना, कैलकुलेशन करना थोड़ी है उनको पड़ेगा। चलिए ठीक है, कर लीजिएगा आप लोग कथा सुन लीजिएगा। कभी कभी जो है मास स्पेक्ट्रोमेट्री में एक कंसेप्ट आता है, दैट इज कभी कभी डाइमर के फॉर्म में जो है कोई प्रोटीन मेंशन कर दिए जाते हैं, डाइमर ट्राइमर के फॉर्म में चीजें मेंशन होती हैं। तो हो सकता है कि व्हाट इफ इट इज देयर इज अ टू पेप्टाइड, टू और मोर देन टू पेप्टाइड्स। कई बार क्या होता है दो या दो से ज्यादा पेप्टाइड मिक्स हो जाते हैं, हो सकता है कि एक पेप्टाइड नहीं, जो हम अभी तक सिंगल पेप्टाइड के लिए बात कर रहे थे, हो सकता है कि दो पेप्टाइड हो किसी सोल्यूशन में। आपने जिस प्रोटीन को लेने की कोशिश करी और इसको इस प्रोटीन में हो सकता है कि प्रोटीन पी वन भी हो और प्रोटीन पी टू भी हो, ठीक है, तो उसमें जो है इन हमें नहीं पता है कि प्रोटीन पी वन का मास कितना है, पी टू का मास कितना है, लेकिन जब हमने इसको मास स्पेक्ट्रोमेट्री में लेके गए तो जो मुझे एम बाई जेड का कॉन्सेप्ट मिला वो है 6101501, ये m by z की वैल्यूज मिली और फिर उसके बाद 401 एंड 301। तो आपको बताना है कि इन दोनों पेप्टाइड का मॉलिक्यूलर मास होने के चांसेस क्या हो सकते हैं। सवाल ये आ जाता है समटाइम्स कि जब आप इनमें से अब हर एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन का मास पहले निकालिए, मतलब एक बार इसको m2 लीजिए और एक बार इसको m1, यहां से अगेन फार्मूला यूज करेंगे मास के तौर पे m2 - 1 यानी 601 - 1 into 501 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 601 माइनस 501। बेसिक तौर पे अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ऊपर 600 इंटू 500 और नीचे आ जाएगा 100, सॉल्व करेंगे तो ये 3000 आ जाएगा, ठीक। अब उसके बाद सेकेंड कंडीशन में हम इसको M2 एज्यूम करेंगे और इसको M1 और फिर सॉल्व करेंगे इन द सेम वे, दैट इज 501 माइनस 1 और 401 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 501 माइनस 401, दैट शुड बी द केस, ये जो है 2000 आएगा। सॉरी, इसके बाद इसको M2 मानेंगे और इसको M1 और इनसे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू जो है 401 माइनस 1 301 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 401 माइनस 301 सॉल्व करेंगे तो 1200 आएगा। अब जैसा कि यहां पे मेंशन किया गया है कि यहाँ पे दो पेप्टाइड मिक्स है और जब दो पेप्टाइड मिक्स है तो आप इनका एवरेज नहीं लेंगे। अब हो सकता है कि यहाँ पे मैं एज एन ऑप्शन के तौर पे मेंशन कर रहा हूँ, समझिएगा कि मेरे पास जो दो पेप्टाइड है उनका मॉलिकुलर वेट यहाँ पे मेंशन किया जा रहा है, अब सी ये कुछ ऑप्शंस मैंने मेंशन किए कि मेरे पास P1 P2 का जो है क्या मॉलिक्यूलर वेट हो सकता है। सवाल ये आ जाता है कि जब भी हमारा जब सिंगल पेप्टाइड होता, यहीं पे समझिए कि मेरे पास तीन कंडीशंस के तौर पे एक मास जो आया था वो 3000 डाल्टन, एक 2000 डाल्टन और एक जो है वो 1200 डाल्टन का था। हो सकता था कि अगर ये जो सिंगल पेप्टाइड होता तो हम सिंपल तौर पे इनका क्या ले लेते, एवरेज ले लेते और एवरेज ले लोगे तो लगभग ये 2000 जो है 67 एवरेज लेके देखोगे तो लगभग 2067 डाल्टन का पेप्टाइड आ जाएगा अगर ये सिंगल होता तब, इफ सिंगल होता तब, लेकिन ये सिंगल नहीं है, ये कैसा है, ये यहाँ पे जो है डाई पेप्टाइड यानी दो पेप्टाइड का मिक्स है,
तो कहीं ना कहीं जो मॉलिकुलर मास होगा इन पेप्टाइड का, इनके मल्टीपल्स में ही होगा। जैसे कि अगर देखे किसी भी पार्ट को डिवाइड करके देखे, देखिए 1250 इसमें किसी भी पार्ट को ना तो मैच कर रहा है ना ही डिवाइड कर पा रहा है कंप्लीटली। सिमिलरली विद द 1350, बट 1200 यहाँ पे इससे तो हो सकता है कि ये वाला पार्ट इसी पेप्टाइड का हो, लेकिन 1350 किसी के साथ नहीं जा पा रहा। लेकिन ये वाला ऑप्शंस देखेंगे तो 1200 एक पेप्टाइड हो सकता है, और हो सकता है कि एक पेप्टाइड जो है वो 1500 हो और 1500 के दो सब यूनिट्स के तौर पे जुड़े हों, तो वो एक्चुअली में आपको 3000 के तौर पे नजर आ जाएंगे। तो दी इज अ पॉसिबिलिटी कि आपको कुछ इस तरीके से जो है चीजें देखने को मिल सकती है, ठीक है। और अगर वो दोनों जुड़ के कहीं ना कहीं 2000 के आसपास जो है एक डाल्टन रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, तो इस तरीके से जो है आपको समझना होता है कभी कभी अगर मोर देन वन पेप्टाइड्स मिक्सचर में दे दिए गए तो। सो दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन जो है सीएसआईआर पूछता रहता है। इसके अलावा कभी कभी प्रोटीन या पेप्टाइड मास कैलकुलेशन में या तो वो ग्राफिकल फॉर्म में दे दे, तो इनके थ्रू आप ग्राफिकल से M2 M1 करके सेम उसी पैटर्न से निकालिए। अगर सिंगल पेप्टाइड है तो एवरेज ले लीजिए। टेबुलर फॉर्म में भी दिया है तो भी आप एक बार M2 फिर M1 फिर दूसरे वाले को M2 M1 ऐसे करते करते पूरा का कैलकुलेट करके फिर एवरेज ले लीजिए। और या तो फिर आपके पास अगर मिक्सचर ऑफ पेप्टाइड है तो यहाँ पे एवरेज लेने की बजाय आप देखिए कि जो वैल्यूज आपको मिली है M2 M1 करके, वो वैल्यूज क्या किसी भी पर्टिकुलरली फॉर्म ऑफ पेप्टाइड के साथ प्रॉपर मैच कर रहा है, डिवीजन मल्टीप्लीकेशन या किसी भी फॉर्म में, तो वहां से वो पता चल जाएगा कि कौन सा प्रोटीन या पेप्टाइड का मॉलिकुलर मास क्या हो सकता है। अब देयर इज अ वन पर्टिकुलर कंडीशंस दैट इज नोन एज प्रोटीन विथ मॉडिफिकेशंस। प्रोटीन विथ मॉडिफिकेशन से कभी कभी क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जरा समझिए कि अगर एक मेरे पास कोई नॉर्मल प्रोटीन है जिसका मॉलिकुलर मास मैंने मेंशन किया है 100, 100 इज अ मॉलिकुलर मास ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोटीन। अगर वो प्रोटीन जो है वो मॉडिफिकेशन के तौर पे भी जाएगा तो हम उसका उसका जो MZ रेशियो होगा मास स्पेक्ट्रोमेट्री में वो उसके मॉडिफिकेशंस के हिसाब से जो है वेरी करेगा। मतलब अगर कोई पर्टिकुलर प्रोटीन डिहाइड्रेशन के तौर पे जाया जा रहा है, मतलब डिहाइड्रेशन का मतलब रिमूवल ऑफ वाटर, यानी वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा है। अगर वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा है तो हम ये बोल सकते हैं कि उसमें से जो पहले MZ रेशियो था उसमें से 18 माइनस कर देंगे तो जो वैल्यू आ जाएगी वो डिहाइड्रेशन को रिप्रेजेंट करेगी। सो द एन -18 शुड बी योर डिहाइड्रेशन। जो भी वैल्यू होगी एन की उसमें से 18 घटा दीजिए तो वो आपका क्या हो जाएगा, दैट इज डिहाइड्रेशन, ठीक है ना। अगर कहीं पे कोई प्रोटीन डाइमर का फॉर्म होगा तो उसका M/Z रेशियो -2 हो जाएगा, जो वैल्यू M/Z रेशियो है उसका 2 गुना हो जाएगा। अगर वो ट्राइमर के फॉर्म में है तो वो N/3 के फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। अगर उसमें कार्बोक्सिलेशन हो रहा है मतलब CO2 का एडिशन हो रहा है, याद रहे एडिशन और रिमूवल हमेशा ध्यान रहे, कार्बोक्सिलेशन का मतलब CO2 का एडिशन, मतलब कहीं ना कहीं N+44, N+44 जो है वहां पे मेंशन होगा, यानी कि अगर एग्जांपल के तौर पे 100 था तो वो 144 के तौर पे आएगा। अगर फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, क्योंकि फॉस्फोराइलेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पे ये बेसिक तौर पे लगभग लगभग ये माना जाता है कि वहां पे PO4 जिस फॉर्म में निकलेगा, अगर आप इसको देखोगे तो फॉस्फोरस का लगभग लगभग 30 और ऑक्सीजन का जो है 64, तो ओवरऑल जो है वो 94 नजर आना चाहिए, ठीक है। ओवरऑल जो है वो 94 नजर आना चाहिए, लेकिन डबल फॉस्फोराइलेशन या डबल MS करने की कोशिश करेंगे तो MS एक टेक्निक होती है जिसको बोलते हैं, एक बार मास स्पेक्ट्रोमेट्री किया फिर दोबारा मास स्पेक्ट्रोमेट्री किया। तो फॉस्फोराइलेशन के प्रोसेस में जब चीजें एड ऑन होती हैं, PO4 एड होता है, तो उस केस में क्या होता है कि मॉलिक्यूल एक रिलीज होता है, और वो कौन सा मॉलिक्यूल रिलीज होता है, एनीबडी? H2। तो लगभग लगभग ये माना जाता है कि टोटल 18 उसमें से माइनस करेंगे, और जब माइनस 18 करेंगे तो लगभग लगभग जब फॉस्फोराइलेशन होता है तो पहली बार में अगर नहीं भी पता चलेगा कि उसमें एक वाटर मॉलिक्यूल गया है, लेकिन अगर आप उसको डबल एमएस के साथ फॉस्फोराइलेशन को चेक करेंगे तो उसमें कितने वैल्यू का एडिशन पाया जाता है, लगभग लगभग 80 का, 80 के आसपास। अगर 80 के आसपास एडिशन है तो फॉस्फोराइलेशन, अगर 60 के आसपास अगर एसिटाइलेशन हो रहा है CH3COOH मतलब 60, तो 60 का एडिशन होगा। अगर ऑक्सीडेशन होगा तो 16 का एडिशन होगा, अगर हाइड्रोक्सीलेशन होगा तो 17 का एडिशन होगा, ठीक है। और अगर उसमें मिथाइलेशन है तो 15 का एडिशन है, अगर डी कार्बोक्सिलेशन है यानी CO2 रिमूव कर रहा है तो 44 का रिमूवल है यानी -44, अगर इसमें वाटर को जोड़ा जा रहा है तो उसमें जो है 18। तो कहीं ना कहीं कोई भी M/Z रेशियो है,
अगर m बाई जेड रेशियो में उसका मॉडिफिकेशन क्या हो रहा है उसके बेसिस पे हम उसका फंक्शन बता सकते हैं। अगर m बाई जेड रेशियो में +80 जोड़ा जा रहा है मतलब कहीं ना कहीं फॉस्फोराइलेशन है। अगर m बाई जेड रेशियो में +16 जोड़ा जा रहा है मतलब कहीं ना कहीं ऑक्सीडेशन है। m बाई जेड रेशियो जो है वो कहीं ना कहीं डबल हो जा रहा है तो ये कहीं ना कहीं डाइमर का फॉर्मेशन है। अगर m बाई जेड रेशियो जो है इसमें 44 ऐड कर दिया जा रहा है मतलब कि कार्बोक्सिलेशन है। अगर m बाई जेड रेशियो में जो है वो 15 का एडिशन हो रहा है तो कहीं ना कहीं मेथाइलेशन है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में जो पर्टिकुलर मॉडिफिकेशंस होते हैं प्रोटीन में हम m बाई जेड रेशियो के वेरिएशन से भी चेक कर सकते हैं और पता चल जाता है। ठीक है, तो इसमें जो पोल का परसेंटेज है लगभग लगभग 81% के आसपास लोग जा रहे हैं। सो हाईली प्यूरिफाइड पेप्टाइड्स P1 P2 P3 वर सब्जेक्टेड टू द MALDI मास स्पेक्ट्रल एनालिसिस। द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस वर मेड, बनाया गया है। P1 में बोला जा रहा है कि 16 जो है वो ज्यादा है एक्सपेक्टेड वैल्यू से, यानी कि ऑक्सीडेशन हुआ होगा और ऑक्सीडेशन का ऑप्शन जो है लगभग सभी में मेंशन किया गया है, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी। दूसरा बोला जा रहा है कि शोड द एम बाई जेड 80 मोर देन एक्सपेक्टेड वैल्यू, यानी 80 होने का सीधा सा मतलब है कि फॉस्फोराइलेशन हुआ होगा। फॉस्फोराइलेशन का मतलब अंडर गो ऑक्सीडेशन वाला ऑप्शन गया, फॉस्फोराइलेशन यहाँ है, यह भी ऑक्सीडेशन, फॉस्फोराइलेशन एंड ऑक्सीडेशन ये भी गया, क्योंकि तो फॉस्फोराइलेशन एंड ऑक्सीडेशन होता तो कहीं ना कहीं जो है 16 के तौर पे जो है वो चीजें एड ऑन हो रही होती, तो यदि ऑक्सीडेशन फॉस्फोरिलेशन के साथ नहीं हो रहा तो ये गड़बड़ है। अब इसके बाद जो है शोज द वाज डबल वैल्यू ऑफ द एक्सपेक्टेड वन, एक्सपेक्टेड के साथ ज्यादा डबल है तो यानी कहीं ना कहीं कोवेलेंट डाइमर या डाइमर के तौर पे बिहेव कर रहा है। ठीक है, इस तरीके का फॉर्म हो सकता है। सो द इलेक्ट्रो स्प्रे आयोनाइजेशन ऑफ अ मिक्सचर ऑफ टू पेप्टाइड शोज अ पीक विद एम बाई जेड वैल्यूज दिस 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 एंड दिस। The molecular weight of peptides, because this is the mixture of two peptides, और ये example अभी मैंने कुछ देर पहले ही mention किया था कि आपके लिए जो है 301, 401, 501 और 601 को लेके कैसे solve करना। इसको M2 इसको M1 मानेंगे तो एक solve करेंगे तो लगभग 3000, इसको M2 और इसको M1 मानेंगे तो इसको solve करेंगे तो लगभग 2000, और इसको अगर M2 और इसको M1 मान रहे हैं solve करेंगे तो लगभग 1200। अब इन केसेस के ऊपर जब रिप्रेजेंट किया जाता है तो अगर दो मिक्सचर ऑफ प्रोटीन या डाइमर है तो कहीं ना कहीं हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये जो प्रोटीन्स है ये देखिए इसके साथ तो मैच हो जा रहा है लेकिन इसका कोई मैच नहीं किसी के साथ मिल रहा है। ये यही सिर्फ ऑप्शन है बी ऑप्शन जहाँ पे कि हम ये बोल सकते हैं कि 1200 जो है वो डायरेक्ट है और 1500 यानी कहीं ना कहीं हम ये बोल सकते हैं कि एक जो प्रोटीन है वो P1 प्रोटीन मोनोमेरिक फॉर्म में होगा। ये भी ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि P1 प्रोटीन मोनोमेरिक होगा और एक प्रोटीन जो भी है मतलब अनदर प्रोटीन शुड बी डाइमेरिक, एक मोनोमेरिक है तो एक डाइमेरिक है, ये भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ये भी पूछा जा सकता है और बताया जा सकता है कि एक मोनोमेरिक है और एक डाइमेरिक है। ठीक, चलिए।